मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने आज गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिता में अव्वल आए गौ मालिकों को शासन की ओर से प्रथम द्वितीय तृतीय को 10,000 7,500 और 5,000 के पुरस्कार प्रदान किए। वहीं ऊर्जा मंत्री ने अपनी ओर से भी नगद 5,000 3,000 1,000 रुपये प्रदान किए। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन में कार्यक्रम में अव्यवस्था पर अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि गौ माता में 84 करोड़ देवताओं का वास होता है। गौ माता से पंच गव्य की प्राप्ति होती है। पुराणों संस्कृति और वैज्ञानिकों ने भी माना है गाय का दूध हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। वही गाय के गोबर की खाद भी जमीन के लिए उपयोगी है। हमें गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विधानसभा में 20 गौशालाओं का कार्य चल रहा है। आगामी बजट में 100 गौशालाएं स्वीकृत कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इंदिरा गृह ज्योति योजना में प्रदेश और जिले के 80% उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। उपभोक्ताओं का बिल भी आधा कर दिया है। तो ये ऊर्जा विभाग द्वारा अपने वचन पत्र में कांग्रेस के वचन पत्र में दिए गए बिंदुओं पर तेजस्वीता से कार्रवाई कर प्रथम वर्ष में ही उपभोक्ताओं को लाभ दिलाने की बात। खिलचीपुर विधानसभा में कितनी गौशाला का निर्माण कार्य अभी तक चल रहा है? खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में करीबन 10 गौशालाओं का निर्माण अभी प्रगतिरत है और आने वाले समय में लगभग 40 और गौशालाएं खिलचीपुर विधानसभा में आगामी बजट में स्वीकृत हो जाएंगी। ये इंदिरा ज्योति योजना के तहत राजगढ़ जिले में कितने लोगों को लाभान्वित किया? खिलचीपुर विधानसभा में कितने लोगों को? इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश में करीबन औसतन 79-80% लोगों उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया है। लगभग यही आंकड़ा राजगढ़ जिले का भी है। इस योजना का लक्ष्य है कि जो जितने भी हमारे उपभोक्ता 150 यूनिट तक का बिजली का उपयोग करते हैं उनको प्रथम 100 यूनिट 1 रुपये यूनिट के मान से 100 रुपये में दिए जाए। इससे 97 लाख उपभोक्ता पूरे मध्य प्रदेश में इस योजना का फायदा ले रहे हैं और इस योजना का सक्सेस पूरे मध्य प्रदेश में आज देखने को मिल रहा है। पहल कर रही है भाई, इसमें तो सरकार आनी नहीं चाहिए थी। इसमें तो व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति को संरक्षण करने का काम करना चाहिए, पर आज हमने निर्णय लिया कि सरकार भी इसका पहल करेगी। 30 गौशालाएं हमने प्रारंभ कराई, 5 गौशाला प्रति ब्लॉक, और आने वाले समय में हम 100 गौशालाएं आने वाले बजट में 100 गौशालाएं और खोलने का लक्ष्य लेके यहां पर चल रहे हैं। तो 5 गौशालाएं खिलचीपुर जनपद में, 5 जीरापुर जनपद में भी प्रगतिरत है और मार्च के बाद 20-20 गौशालाएं और हो जाएंगी। तो यहां पे जीरापुर में 87 पंचायतें हैं, उसमें से 25 पूरी हो जाएंगी तो बचेंगी 53। हमारा लक्ष्य है 87-25 पूरी हो बचेंगी 63 हम लोगों का लक्ष्य है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।